भगवत गीता जो है क्या है, द यूजर गाइड ऑफ ह्यूमन लाइफ, मनुष्य जीवन का ज्ञान का मार्गदर्शक पुस्तिका है, ज्ञान का मनुष्य जीवन किस प्रकार से रखना है। मैंने कई बार कहा है कि जब भी हम टीवी खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, तो उसके साथ एक बुक आता है, उसमें पता रहता है, यूजर मैनुअल बोलते हैं उसको, यूजर गाइड। तो ये भी यूजर गाइड ऑफ ह्यूमन लाइफ, वो यूजर गाइड है मनुष्य जीवन के लिए भगवद गीता। उसमें रहता है इस मोबाइल को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे फंक्शन है इसमें, कैसे चलाना है, पूरा उसमें डिटेल्स है। तो भगवद गीता भी वही है कि नहीं। तो भगवद गीता क्लास जो होता है उसके कुछ क्या बोलते हैं, कुछ नियम है। नियम क्या है, तो मैं इसमें थोड़ा बनाया है उसी हिसाब से। मेक नोट्स, हमें क्या करना चाहिए, एक नोटबुक बनाना चाहिए। जब भी हम आए तो एक नोटबुक लाए, जो भी यहाँ क्लास होगा उसको नोट करें, क्योंकि यहाँ पे बताया हुआ चीज भूल सकते हैं, लेकिन नोट लिखा रहे कभी भी हम रेफरेंस के लिए उसमें से देख सकते हैं। दूसरा, बी अटेंटिव, बहुत ही सतर्क और अटेंटिव, मतलब एकदम ध्यान पूर्वक बैठना है। हमारा ध्यान जो है यहाँ पे क्लास में होना चाहिए, ना कि पूरे फैमिली पे। 24 घंटा हमारा फैमिली पे तो रहता ही है, तो जब भी हम आते हैं तो हमारा ध्यान यहाँ होना चाहिए। डोंट टेक स्ट्रेस, जो तनाव में नहीं रहना चाहिए कि हम यहाँ आ गए हैं, बहुत टेंशन है हमको। भगवान का नाम इसीलिए हम लेते हैं पहले कि हमारे मन को शांति हो जाए, है कि नहीं। बाहर गेट के बाहर कौन खड़ा है पता आपको, नहीं। माया, क्या माया, उसको यहाँ एंट्री नहीं है। जब आप बाहर जाएंगे ना, यहाँ सुनने में सब कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि वो माया यहाँ पे एंट्री नहीं करती। हम सच्चे हृदय से क्लास को सुनते हैं, जैसे ही बाहर जाते हैं वो बाहर गेट पे वेट कर रही है, वो देखती है कौन कितना लिया है, नहीं लिया इसको पकड़ो, नहीं लिया उसको पकड़ो, ये क्या करने गया था।